हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है तो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जैसे हमारे फ़ोन में कॉल वगैरह है वो नॉट सेंड मतलब सेंड नहीं हो पा रही है दूसरे फ़ोन या डिवाइसेस में, तो उसकी जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में कॉल नोट सेंड प्रॉब्लम है तो कॉल नोट सेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आप देख सकते हैं कि आपको जाना होगा ऐप सेटिंग्स पे। तो ऐप सेटिंग्स को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे जहाँ से आपको शी ऑल ऐप्स को इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो शी ऑल ऐप्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। इसके ज़रिए आप देखते हैं कि फ़ोन आइकन्स पे आपको क्लिक कर देना है, फ़ोन आइकन सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में कॉल स्क्रीन ऑफ एंड वीडियो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं कि सेटिंग्स से हो रही है, देखते हैं शो हो रही है। तो यहाँ से आपको डाटा को क्लियर कर देना है। जब डाटा को क्लियर कर दोगे तो यहाँ से जो भी डाटा है फ़ोन का हमारे फ़ोन से क्लियर हो जाएगा, जिससे हम कॉल स्क्रीन ऑफ एंड वीडियो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप जाते हैं फ़ोन परमिशंस पे, तो परमिशंस पे जाकर जो भी आपकी फ़ोन परमिशंस है इसको आपको अलाउ कर देना है। जैसे डोंट अलाउ होगी तो आप इसको अलाउ कर दोगे तो अलाउ कर दिए, जिससे हमारी फ़ोनिंग की प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से SMS प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं परमिशंस को अलाउ करके, जैसे कॉन्टैक्ट परमिशंस को अलाउ करना है और लोकेशंस होती है लोकेशन परमिशंस को भी अलाउ कर देना है, जिससे हम कॉलिंग्स वगैरह को दूसरे डिवाइस में सेंड कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी कॉल नोट सेंड प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, जिससे हमारी कॉल्स वगैरह दूसरे डिवाइस में सेंड होने लगेगी। तो इस तरीके से भी कॉल नोट सेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप जितने यहाँ से प्रेस करते हैं फ़ोन आइकन पे, तो फ़ोन आइकन से प्रेस करके डायरेक्टली भी आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं। आप जितने कि डायरेक्टली आप सेटिंग्स पे आ गए तो इसके लिए डायरेक्ट सेटिंग्स पे आकर आप फ़ोन की कॉल नोट सेंड प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे डाटा को क्लियर करके या फिर परमिशंस को अलाउ करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन परमिशंस होगी इसको आपको अलाउ कर देना होगा और अलाउ करके कॉल नोट सेंड प्रॉब्लम को आप इसके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली सेटिंग्स पे आकर। तो इस तरीके से भी कॉल नोट सेंड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।